तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में तो आज हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसे अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट के बारे में जो कि एट मंथ पे कराया गया है मतलब प्रेगनेंसी के अठवें महीने में कराया गया है और इस रिपोर्ट में देखना होगा कि नॉर्मल डिलीवरी हो सकता है या फिर किसी तरह का कुछ कॉम्प्लिकेशन आ सकती है नॉर्मल डिलीवरी में तो इस वीडियो में हम आपको समझाने वाले हैं क्या क्या चीज़ देखना होता है नॉर्मल डिलीवरी के दरमियान कि उनका नॉर्मल डिलीवरी हो सकता है या फिर किसी तरह कुछ बाधा आ सकती है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एल लिखा हुआ है एल मतलब होता है लास्ट म्यूचुअल पीरियड उनको पता नहीं है इसलिए यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है लिखा हुआ है अ सिंगल लाइव इंट्रा इंट्राउट्रीन फीटस ऑफ थर्टी थ्री वीक्स फाइव डेज वन वीक प्लस माइनस ड्यूरेशन इज सीन इन सीफेलिक प्रजेंटेशन यहाँ पे देखिए सिफेलिक प्रजेंटेशन की जगह पे अगर ब्लीच प्रजेंटेशन होती तो यहाँ पे प्रॉब्लम वाली बात थी सिफेलिक मतलब होता है सीधा है और ब्लीच मतलब होता है बच्चा उल्टा है और भी यहाँ पे बहुत सारा टर्म होती है इससे आलात अच्छा भी हो सकता है तो वो हम कभी और देखेंगे उस तरह का सिचुएशन रहेगा तो द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन विथ नॉर्मल कार्डियक एक्टिविटी एंड बॉडी मूवमेंट्स मतलब कि ये हुआ कि थर्टी थ्री वीक फाइव डेज का प्रेगनेंसी है इनका बच्चा है और इनका एक सप्ताह आगे पीछे ही हो सकता है और इसमें जिस समय देखा गया था उस समय सिंगल लाइव मतलब एक सिंगल बच्चा है सिंगल यहाँ यहाँ पे सिंगल इसका मतलब सिंगल बच्चा है और लाइव मतलब बच्चा जीवित है और टाइम ऑफ नॉर्मल कार्डियक एक्टिविटी मतलब कार्डियक एक्टिविटी नॉर्मल है मतलब हार्ट रेट उसका अच्छे से चल रहा है और बॉडी में मूवमेंट सही से है प्लेसेंटा का देख सकते हैं प्लेसेंटा प्लेसेंटा इज एंटेरियर इन लोकेशन ग्रेड टू मेचोरिटी नो प्रीवा एसिन इस तरह से आ, प्लेसेंटा तो एकदम बिल्कुल नॉर्मल है ये एमिनोफिड है एमिनोफिड जो है अपियर शेड्यूकेट मतलब कि नॉर्मल है और स्पेशल एज जो है आ, थर्टी थ्री फाइव डेज का है प्लस माइनस वन वीक मतलब एक सप्ताह का आगे पीछे हो सकता है ई डेट मतलब हुआ कि कब डिलीवरी होगी पेशेंट का डिलीवरी डेट ही ई डी डी मतलब सताइस चार दो हजार इक्कीस का इनका दिया हुआ है

ड्यूरेशन इन सिफेलिक प्रजेंटेशन विथ नॉर्मल कार्डियक एक्टिविटी एंड एंड बॉडी मूवमेंट एज डिस्क्राइब प्लेसेंटा एंटेरियर अपर एंड लिक्यूर एडिप मतलब सारा कुछ मोटा मोटी नॉर्मल है तो उस तरह कुछ घबराने वाली बात है नहीं और पेशेंट को अच्छे से नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है और एक और लास्ट में अगर किसी तरह कुछ कॉम्प्लिकेशन आती है तो दोबारा एक और अल्ट्रासाउंड कराया जा सकता है तो वीडियो कैसा लगा आप हमको बताइएगा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा